हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए राजस्थान की विगत भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्नों की एक सीरीज शुरू की गई है, जो आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। इन क्लासों की प्लेलिस्ट एम के स्टडी चैनल पर उपलब्ध करा दी गई है, तथा इन क्लासों की प्रश्नों की पीडीएफ एम के स्टडी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहां से एम के स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एक बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लेकर उपस्थित रहता हूं, लेकिन आपकी ओर से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिखता। आप ना तो क्लास को शेयर करते और ना ही इसे सब्सक्राइब। दोस्तों, इससे मेरा मनोबल गिरता है, इसलिए आप इस क्लास को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। यह है पेपर सेकंड ग्रेड भर्ती का है, जो आरपीएससी के द्वारा 31 अक्टूबर 2018 को कंडक्ट करवाया गया। इस पेपर का कोड 0B है। आइए इसमें जानते हैं राजस्थान जीके के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। मेमंद आभूषण पहना जाता है सिर पर, कमर पर, भुजा पर या पैरों पर? ऑप्शन एक, सिर पर। विजय दान देता का संबंध है लोक कला से, लोक नृत्य से, लोक संगीत से या लोक साहित्य से? ऑप्शन चार, लोक साहित्य से। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? राठौड़, सिसोदिया, चौहान या प्रतिहार? ऑप्शन तीन, चौहान। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था राणा पूंजा, लूना चामंडिया, जीवा शाह या तारा बील? ऑप्शन एक, राणा पूंजा। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? राव मालदेव, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह या अमर सिंह राठौड़? ऑप्शन दो, राव चंद्रसेन। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? बैराट, आहाड़, कालीबंगा या बागोर? ऑप्शन दो, आहाड़। बीकानेर के महाराजा राय सिंह की गद्दी पर कब बैठे?
1612 ईस्वी, 1585, 1574 या 1541। ऑप्शन 3, 1574। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 9.95%, 10.55%, 10.41% या 11.45%। ऑप्शन 3, 10.41%। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? एक तरफ नदी दे रखी है, दूसरी तरफ सहायक नदियाँ। गंभीरी की सहायक मेश्वा, माही की सहायक जाखम, काली सिंध की सहायक परवन, साबरमती की सहायक माजम। ऑप्शन 1, गंभीरी की सहायक मेश्वा। राजस्थान में संभाव्य बाष्पीकरण बाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? गंगानगर, कोटा, डूंगरपुर या जैसलमेर। ऑप्शन 4, जैसलमेर। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ क्षेत्र दे रखा है, दूसरी तरफ उनके स्थानीय नाम। डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ क्षेत्र को बागड़ कहा जाता है। डूंगरपुर पूर्वी सिरोही उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र को भूमठ, आबू पर्वतखंड को अर्बुद, कोटा बूंदी और बारा क्षेत्र को हाड़ौती। ऑप्शन 2, जनगणना 2001 और 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई? राजसमंद और चूरू, अजमेर और धौलपुर, अजमेर और झालावाड़ या धौलपुर और झालावाड़। ऑप्शन 1, राजसमंद और चूरू। कथन, राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। कारण, राज्य में जलवायु और उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है। ऑप्शन 1, कथन और कारण दोनों सही हैं। सम्मिलित कीजिए। एक तरफ पर्यटन स्थल दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके जिले। अलवर में पांडु पुल, अजमेर में सोनी जी की नसिया, बीकानेर में कोलायत और भरतपुर में डीग।
ऑप्शन तीन, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा है? बाजार, कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति संसाधनों की उपलब्धता या प्रशिक्षित श्रमिक? ऑप्शन दो, कच्चे माल की उपलब्धता। राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, कोटा बूंदी बारा, झालावाड़ और सवाई माधोपुर। ऑप्शन चार, कोटा बूंदी, बारा, झालावाड़ और सवाई माधोपुर। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है? तीन, चार, दो या पाँच? ऑप्शन तीन, दो। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्य सूची का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व मांगनी होगी। यह सही है। अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहे लिखित सूचना देनी होगी। यह कथन भी सही है। प्रस्ताव समग्र सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग से समर्थित होना चाहिए। यह गलत है। ऑप्शन एक, ए और बी। निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे? मोहनलाल सुखाड़िया, टीकाराम पालीवाल, हरिदेव जोशी या अशोक गहलोत? ऑप्शन दो, टीकाराम पालीवाल। निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे? जय नारायण व्यास, बरकतुल्ला खां, मोहनलाल सुखाड़िया या भैरव सिंह शेखावत? ऑप्शन दो, जय नारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत ऐसे मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं थे।
निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ मुख्यमंत्री दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित मुख्य सचिव मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य सचिव केपीयू मेनन, बरकतुल्ला खान, मुख्यमंत्री आरडी माथुर, शिवचरण माथुर, मुख्य सचिव मदन मोहन कृष्णवली, भैरव सिंह शेखावत, मुख्य सचिव टीवी रमन। ऑप्शन दो, बरकतुल्ला खान, मुख्य सचिव आरडी माथुर। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन हैं? राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के पर्यटन मंत्री या उदयपुर के संभागीय आयुक्त? ऑप्शन एक, राजस्थान के राज्यपाल। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री दे रखे हैं, दूसरी तरफ वह राज्य जहां उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल के पद पर कार्य किया। मोहनलाल सुखाड़िया आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे। हरिदेव जोशी त्रिपुरा, शिवचरण माथुर असम, जगन्नाथ पाड़िया बिहार। ऑप्शन दो, हरिदेव जोशी त्रिपुरा। निम्नांकित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया? 1996, 1999, 2000 या 2011? ऑप्शन तीन, 2000। बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई? परवन सिंचाई परियोजना, ब्राह्मणी बनास परियोजना, माही बनास परियोजना या गड़दड़ा बांध परियोजना? ऑप्शन दो, ब्राह्मणी बनास परियोजना। मुकाम प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, विष्णुइयों के लिए, मुसलमानों के लिए या जसनातियों के लिए? ऑप्शन दो, विष्णुइयों के लिए। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? महाराव शत्रुसाल सिंह प्रथम, महाराव किशोर सिंह, महाराव उम्मेद सिंह प्रथम, महाराव शत्रुसाल सिंह द्वितीय।
ऑप्शन तीन, महाराव उम्मेद सिंह प्रथम, श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबद्ध रहीं, बेंगू, बिजोलिया किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन या बीकानेर किसान आंदोलन। ऑप्शन दो, बिजोलिया किसान आंदोलन, डोला मारू कहानी में डोला की विवाह के समय उम्र थी 3 वर्ष, 11 वर्ष, 14 वर्ष या 16 वर्ष। ऑप्शन एक, 3 वर्ष। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या प्रतापगढ़। ऑप्शन दो, बांसवाड़ा। गवरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है गरासियों से, कालबेलियों से, कंजरों से या बीलों से। ऑप्शन चार, बीलों से। किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया? उदयपुर, कोटा, करौली या जोधपुर। ऑप्शन चार, जोधपुर। आवानेरी और राजूरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर प्रत्यार, चौहान, गोहिल सिसोदिया या राठौड़। ऑप्शन एक, गुर्जर प्रत्यार। किस दुर्ग को गढ़वेटली नाम से भी जाना जाता है? तारागढ़ किला अजमेर, तारागढ़ किला बूंदी, जालौर का दुर्ग या सिवाणा का किला। ऑप्शन एक, तारागढ़ किला अजमेर। बाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल है? ठीकरिया गांव, जोधपुरिया गांव, कोलू गांव या पांचौटा गांव। ऑप्शन तीन, कोलू गांव। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब किया गया? 26 जनवरी 1956, 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950 या 30 मार्च 1949। ऑप्शन दो, 1 नवंबर 1956। चार चौमा मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कोटा, बूंदी,
झालावाड़ या सीकर? ऑप्शन ए कोटा, जीण माता का मेला राजस्थान के किस जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? सिरोही, सीकर, सवाई माधोपुर या जालौर? ऑप्शन दो सीकर। दोस्तों, आप एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे इन क्लासों का फ़ायदा अधिक से अधिक लोगों को मिल सके।